गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनय करनाल। आज हम क्लास 7th का साइंस का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट का पढ़ा हमने फंक्शन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स पढ़ा हमने। तो आज हम इसके कुछ कल जो है कल हमने इसे किए थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स किए थे हमने, ठीक है। तो आज मैं इस पर आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन करवाऊंगी। इन टेक्सचुअल क्वेश्चन से आपको जो आपका टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल, एक्सप्लेन। ट्रांसपोर्ट होता है एक सामान दूसरी सामान जगह से, एक सामान जो है एक जगह दूसरी जगह ले जाना। जैसे हम ट्रांसपोर्ट, मान लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होते हैं, बाइसाइकल्स होते हैं, एयर होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से जो सामान को या इंसानों को दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, वैसे ही हमारे अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। हमने पढ़ा था जैसे कि हार्ट से जो है आर्टरीज ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पहुंचाती है, वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जो वेन्स हैं वो पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके हार्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो है कि वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन ए प्लांट एंड, कि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना हम प्लांट्स और एनिमल्स में क्यों ज़रूरी है, एक्सप्लेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी इन ए प्लांट और एनिमल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। टू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमने पढ़ा था कि कई ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है कि जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो उस मतलब ब्लड ट्रांसपोर्ट का होने का मतलब है कि ऑक्सीजन और फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब जब हमें मटेरियल फूड जो ट्रांसपोर्ट होगा, कोई ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसका मतलब है कि टू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को जो है खाना पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी जब ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, तो वो क्या करते हैं, जब अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो बाहर निकालते हैं, वैन वेयर दे कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। एनिमल्स नीड ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर, एनिमल्स भी जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो भी बाहर निकालते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। What will happen if there are no platelets in the blood? देखिए हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। कभी क्या होता है, इंसान को बहुत तेज़ फीवर चढ़ जाता है, बुखार चढ़ता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स चेक करते हैं। तो पर एक हेल्दी इंसान है उसमें 3 से लेकर 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। अगर ये डाउन होते जाते हैं तो बॉडी में क्या होता है, फिर खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है, ब्लड जो होता है वो जमना, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, वट विल हैपन इफ देर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड, क्या होगा जब ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे। इफ देर आर नो प्लेटलेट्स देन ब्लड विल नॉट क्लॉट एज प्लेटलेट्स रिलीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एट द साइट ऑफ इंजरी। क्या होगा जब हमें, जहाँ हमें जख्म हुआ होता है ना, जख्म हुआ होगा तो वहाँ पे अगर हमें लग जाएगी हमें, तो हमारा जो ब्लड होगा वो क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। इफ देर आर नो प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे देन ब्लड विल नॉट क्लॉट एज प्लेटलेट्स, जो ब्लड होता है उसको क्लॉटिंग नहीं होगी उसकी, रिलीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड है वो लगातार जो होता है वो बहता चला जाता है जब आपको कोई इंजरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है और दो फंक्शंस बताने हैं हमें स्टोमेटा के। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर नोन एज स्टोमेटा। जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, ठीक है, जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। पत्ते के ऊपर वो लीफ छोटे छोटे होल होते हैं जिससे जो सनलाइट है वो लीव्स के अंदर एंटर करती है। नो फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है अंदर और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स ऑकर्स ड्यू टू स्टोमेटा।
कभी हम देखते हैं सुबह जब हम उठते हैं जो हमारे फ्लावर्स के ऊपर या लीव्स के ऊपर जो है वो पानी पड़ा होता है, जिसे हम शबनम कहते हैं। तो जब इवापोरेशन होती है, जो पानी जो होता है वो हवा में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉम का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड? ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इनसे ब्लड, इनसे इनको मिलके ही जो है वो खून बनता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? हमारा ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, क्यों होता है रेड? हेमोग्लोबिन, अ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड मेक्स इट लुक रेड। हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एक रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, एक कलर होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो रेड हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही हैं टेक्स्चर क्वेश्चंस। तो कल मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू रखूँगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो अपनी साइंस की कॉपी पे आपको उसको नोट करना है आपको, और उसको लर्न करना है। मैं एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एनिमल? एक्सप्लेन। वट विल हैपन इफ देर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? वट आर स्टोमेटा? गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। वट आर द कम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड वट मेक्स द ब्लड लुक रेड? तो बच्चों प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।